नंबर वन स्मार्टफोन 25,000 रुपए के बजट में। इस बजट में इस फोन को बेस्ट स्मार्टफोन ऑफ द ईयर कहना भी गलत नहीं होगा। तो बात करते हैं इस वीडियो में कि कौन सा फोन है, क्या क्या फीचर्स हैं और हमें ये फोन क्यों खरीदना चाहिए। तो लेट्स गो। नंबर वन स्मार्टफोन अंडर 5,000, 10,000, 15,000 और 20,000 की जो वीडियो है वो हम बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करें स्मार्टफोन की तो वो है Redmi की तरफ से Redmi K20। इसके अगर हम स्पेसिफिकेशंस की बात कर लें तो इसमें हमें देखने को मिलता है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, जिसमें मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का सोनी IMX582 सेंसर के साथ में आता है। दूसरा कैमरा FY2.4 अपर्चर के साथ में 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है, और तीसरा कैमरा 13 मेगापिक्सल का सुपर वाइड एंगल लेंस के साथ में FY2.4 अपर्चर का आता है। वहीं बात करें फोन के फ्रंट कैमरा की तो पॉपअप मैकेनिज्म के साथ में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। फोन में वीडियो की बात कर ली जाए तो 120 टू 40 960 फ्रेम्स पर सेकंड पर स्लो मोशन वीडियो शूट की जा सकती है, जहां पर आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन सपोर्ट भी देखने को मिलता है। अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो इस स्मार्टफोन में हमें 6.39 इंच की फुल HD प्लस हॉरिजन एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जहां फोन के फ्रंट और बैक दोनों साइड पे हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। फोन के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात कर ली जाए तो फोन में 2.2 GHz ऑक्टाकोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। वहीं एड्रीनो 618 GPU का ग्राफिक कार्ड दिया गया है। फोन में ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एंड्रॉइड 9 पाई बेस्ड MIUI 10 पर यह काम करता है। बात करें फोन में सिक्योरिटी की तो आपको इसमें AI फेस अनलॉक और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। वहीं फोन में 4000 mAh की बैटरी जो कि 18 वॉट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। स्टोरेज वेरिएंट्स की बात करें तो उसके दो वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, एक तो 6GB रैम के साथ में 64GB इंटरनल स्टोरेज जिसकी कीमत है 21,999 रुपए, वहीं दूसरा 6GB रैम के साथ में 128GB इंटरनल स्टोरेज जिसे आप 23,999 रुपए की कीमत में खरीद सकते हैं। बाकी बात करें इस स्मार्टफोन की कुछ कमियों को लेकर तो इसमें हमें एक कमी देखने को मिलती है, वो है इसके इंटरनल स्टोरेज को, जिसे हम एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। बाकी ये स्मार्टफोन था 25,000 रुपए के बजट में नंबर वन वाला। आपकी क्या राय है इस स्मार्टफोन को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो फिलहाल बस इस वीडियो में यही थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ में साझा की। अगर आपका कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हर नई जानकारी मिलती है आपको इस चैनल पे अपनी खुद की भाषा हिंदी में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद वेरी मच।